नमस्कार, मैं EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत बात कर रहा हूं। मैं अभी अपने सभी EPS 95 पेंशन धारकों को, जो कि नेशनल एजुकेशन कमेटी या राष्ट्रीय संघर्ष समिति में कार्यरत है, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहता हूं। आप सबके प्रयत्न से, आप सबके एकता से और आप सबके आशीर्वाद से यह संगठन देश का एक बहुत बड़ा संगठन बन चुका है। 27 राज्यों में जिला स्तर पर हमारी कमेटियां बनी हैं और हमने अपनी पेंशन, जो हमारा लेजिटिमेट हक है, वो पाने के लिए हमने बहुत सारे आंदोलन किए हैं। 4 मार्च 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई हेमा मालिनी जी की अगुवाई में, और उन्होंने ये वचन दिया कि वो हमारा काम जल्दी से जल्दी करेंगे। अब इसके पश्चात आप सब जानते हैं, देश के सामने अनेक समस्याएं आई, जैसे कि कोविड है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे डिस्प्यूट चल रहे हैं, इसकी वजह से शायद हमारे काम में देरी हुई है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हमारा काम होगा तो जरूर होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि थोड़ा श्रद्धा और सबूरी बना के रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, हमारा काम जल्द ही होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मोदी जी है तो मुमकिन है, इस पर भरोसा रखिए। दूसरी बात मैं यहां एक स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 4 साल के अविरत प्रयत्न परिश्रम के बाद जब ये इस मकाम पे हम आए कि हमारा निर्णय हो, हमें जस्टिस मिले, न्याय मिले, उस समय कई छोटे मोटे राजकीय पार्टी के नेता आकर इस पर अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सभी का समर्थन प्राप्त है, हर पॉलिटिकल पार्टी का है, हम सबके हैं, हम कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चला रहे, सोशल एजेंडा हमारा है। लेकिन कुछ लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पॉलिटिकल लीडरशिप चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कई एक दो लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो वीडियो बनाते हैं और देश EPS के नाम पे देश के बड़े बड़े नेताओं को, देश के सर्वमान्य नेताओं को गाली गलौज करते हैं, बुरी अभद्र भाषा में बात करते हैं। इसके लिए हमारी सम्मति कभी नहीं रही है न रहेगी। हम शिष्टाचार से, शांतता से हमारा आंदोलन कर रहे हैं, तो ऐसे नेताओं से सावधान रहिए, वो हमारा हित नहीं कर रहे, हमारा अहित कर रहे हैं। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, इंडियन यूनाइटेड समथिंग समथिंग, और वो आके इधर बड़े बड़े नेताओं को गाली गलौज कर रहे हैं। आप अपनी खुंदक यहां मत निकालिए, ये सामान्य लोगों का, सामान्य अधिकार के लिए सामान्य लोगों की लड़ाई है, डेमोक्रेटिक या लोकतंत्र के हिसाब से चल रही है, उसमें आप अपनी टांग मत अड़ाइए। इससे आपका फायदा नुकसान मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतने 65 लाख वृद्ध पेंशन धारकों का नुकसान आप कर सकते हैं, ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है। दूसरी बात, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोर्ट के नाम पर या और किसी नाम पर लोगों से पैसे ऐंठते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, नेशनल एजुकेशन कमेटी या राष्ट्रीय संघर्ष समिति किसी से पैसा नहीं मांगती, ये सोशल वर्क है, ये त्याग पर निर्धारित है, ये त्याग पर आधारित है, ये स्वार्थ पर आधारित नहीं है। इसलिए ऐसे कोई भी लोग आपको पैसे मांगे तो उनको पैसा मत दीजिए, उनके झांसे में मत आइए, और विश्वास रखिए हमारा काम होगा। ये सरकार अच्छे काम कर रही है, हमारा काम भी बिल्कुल जरूर करेगी, बिल्कुल जरूर करेगी। इतना ही मैं कहना चाहता हूं, आपने मेरी बात सुनी इसलिए धन्यवाद, और आशा रखिए हमारा काम होगा, जरूर होगा। धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार एंड जय हिंद। आई एम कमांडर अशोक राउत, आई एम नेशनल प्रेसिडेंट फॉर EPS 95 नेशनल एजुकेशन कमिटी। आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू थिंग्स विथ ऑल माई पेंशनर, EPS 95 पेंशनर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, you all know our organization is very effective and working throughout the country in 27 states on district levels. Our demands are still not fulfilled, but
On 20th March 2020, we met the Honorable Prime Minister along with Honorable Hema Malini ji, and the Prime Minister himself promised us to do the justice to us as soon as possible. Unfortunately, country had gone through many problems since then. There are many, many big decisions taken by this government during this time, and also there is COVID going on. Therefore, probably our decision on this subject is delayed. Please don't get disappointed. Be patient. When the highest leader in the country had promised us, it will be definitely done. I am damn sure about it. I am very sure about it. It will be done sooner or later, or rather sooner. One more thing I would like to bring to your notice and tell my views on it. As the success is nearing, there are a lot of leaders coming up who has never participated in any agitation, who has never even shown their face to us. But they are claiming now that as they are leaders of pensioners. I don't mind their claims. But what they are doing in turn is, they are looking for their political vendetta or that kind of a thing. There are few leaders who are making some videos and abusing the highest leadership in the country on the name of EPS, which is definitely not supposed to be done. EPS 95 National Agitation Committee never supports this and will never support this type of acts. We are people with manners, good manners. We are senior citizens, and on our name, if somebody is doing all this nonsense, that should be cut short. There is some political small party, some Indian something, United Indian or something, and they are coming and abusing the highest leadership, which has come to my notice. I want to make it clear that these people have nothing to do with the National Agitation Committee, and they are nowhere related to us. By doing so, they might be, you know, expressing their political whatever lineage or whatever kind of ideology, but that is not here. We are not political people. We are social organization. We all are working as a social organization. Our organization is based on sacrifice, not on selfishness. That has to be very clear. We are asking any money. There are many people who are asking money on the name of court and fill up this form, fill up that form. I repeat it, please do not give any money to any such people. NAC doesn't ask you any money. It is a social organization. This organization is based on sacrifice, tyag, kurbani. As far as our demands approval or accepting our demands, I am very sure that it will be done. This government is doing great job on every field. They will do our job also, and it is promised by the Prime Minister himself, and I can assure you, I am very sure about it. Modi ji hai to mumkin hai. Thank you. Thank you very much. Jai Hind.